अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ जुनैद अशरफ और आज फिर रमज़ान भाई के रेवड़ में मौजूद हूँ। बेसिकली मैं एक वीडियो बनाने के लिए आया था, तो उनके मैं रेवड़ की एक बना चुका हूँ जिसमें उनकी ना बड़ी बकरियाँ ब्रीडर वगैरह मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो उनके पास कुछ सेल वाले समझ लें, सेल वाले ही हैं, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें ज़्यादातर तो सेल वाली हैं और कुछ नहीं भी हैं, जो नहीं थे मैं आपको पहली वीडियो में दिखा चुका हूँ, लेकिन वो भी कर सकते हैं, लेकिन 100% नहीं है। लेकिन ये चीज़ें उनकी गारंटी है कि ये उन्होंने ना सेल करनी है, ठीक है। तो दोस्तों के लिए मैं लेके आ चुका हूँ। रमज़ान भाई से मैं बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रमज़ान भाई, क्या हाल है सर? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान भाई माशाल्लाह दो वीडियो अपनी आ चुकी हैं, एक शौक वाले जो जानवर की वीडियो सी ना, दोस्तों ने काफ़ी लाइक की थी अभी, तो जी तो सेल वाली सी उनकी वजह तो तुम इनके हिट हुए, असं तेरे को आंदा ही उस वजह तो, ठीक है। तो रमज़ान साहब ए बकरियाँ दिखा रहे हैं, पर टाइम नहीं जाया करना, इंशाल्लाह टोटल जानवर दिखाने दोस्तों, ठीक है। ए चीज़ा दिखा रहे ए जी हूँ, ए काले कलर की चीज़ है बकरी, ये किन्ने सूए सूई है सर? तीसरा सून है, गुड हो गया रमज़ान भाई, ठीक है। ए इनका हवाना है जी, तो ये रमज़ान भाई सेल भी करेंगे, ठीक है। इनका मैं व्हाट्सएप नंबर तुम्हें स्टार्ट से लै दिना ताकि फिर तुम तंग ना हो वीडियो के बच्च लैन। अच्छा रमज़ान भाई पहला अपने एड्रैस दसो। साहिवाल कादराबाद। साहिवाल कादराबाद इधर। तो अपना व्हाट्सएप इनके नंबर दसो। 0348 0348 23 23 55 55 140 140। गुड हो गया रमज़ान भाई, ठीक है। रमज़ान भाई ए दो बकरियाँ सून वाली ने फुल मीन के कन्फर्म है, ते ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੂਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮ ਆ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਾਸ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਰ ਜਾ ਬਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਐਂ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੀਨ ਕੇ ਸੱਚ ਬਣਾਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਆਇਸਤਾ ਆਇਸਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਮਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅੱਛਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਬੱਕਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੈਣੀ ਸੂਨ ਤੇ ਇਹ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਲੈਣੇ ਭਾਈ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਲੈਣੇ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ तो वह जिसका ना मैं आपको पेट भी चेक करवा देता हूँ माशाल्लाह ऊपर से, और इतना मीन कि इसका पेट का साइज़ है मैं अभी बता नहीं सकता कितने बच्चे होंगे, लेकिन जितने भी हैं ना काफ़ी खुली डुली लग रही है बकरी, और इसका हवाना भी ये अभी 10 दिन लेगी, ठीक है। अच्छा रमज़ान भाई ए नाल दी बकरी है कितने दिन लेगी? साढ़े तीन दी कन्फर्म कब आना है? ठीक हो गया सर। अच्छा रमज़ान भाई जोड़े का की मांग रहे? अच्छा जोड़े का तुम 1.5 लाख मांग रहे? हाँ जी मांग रहे। ठीक हो गया, ए तो मीन के ताड़ी चीज़ है, तुम जिनी मर्जी डिमांड करो, डिमांड की थी, ठीक हो गया। रमज़ान भाई ठीक है, कोई नहीं जान दो, इन पर फड़ी रखो। तो बस वो फुली प्रेगनेंट है, मीन के 10 दिन लेगी बकरी, ये तकरीबन हाँ 1.5 माह लेगी, ठीक है, 3.5 माह की फुली मीन के कन्फर्म है गबन। अच्छा रमज़ान भाई 1.5 लाख तुम मंगे माशाल्लाह बकरियां दी, एक क्वालिटी जरा तुम अपनी जबानी आप दसो की क्वालिटी है ना दी? क्वालिटी है ना दी बहुत अच्छी है। हाँ जी हाँ जी, अच्छी बकरे छाड़ के लो तो तान हुआ है यार। ठीक होगा, गुड होगा रमज़ान भाई, अच्छी गल की थी, कोई झूठ वगैरह नहीं आपा चलन दिता, ठीक होगा सर, ठीक होगा, बिल्कुल रमज़ान भाई ती तो आ रहे 2-3 दफ़ा आ चुके हैं। तो इनका माशाल्लाह कद अच्छा है जी, उनका भी कद अच्छा सी, लेकिन रमज़ान भाई इनका कद सोना वो थलो बकरी चंगी होनी मेरे हिसाब का, ठीक है, भी अच्छी है जी, ठीक है। अच्छा हूँ ये बकरे डिफरेंट नस्लों के क्रॉस करा दे बकरियों से लिया के, उन्होंने मीन के मुख्तलिफ नस्ल कट दे, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा रमज़ान भाई 1.5 लाख तुम मंगे है, थोड़ी बहुत लैस होएगी? होएगी, अगर कोई रबता करेगा व्हाट्सएप, तो बस कीमत की आप बात करते हैं, हमेशा कीमतें बताया करो भाई, पूछी है मैंने रमज़ान, बिल्कुल मीन के तैयार हैं बकरियाँ, फुली मीन के कन्फर्म गबन है, फुली एक्टिव भी हैं, अगर 1% की भी मीन के होता है ना बंदे को बीमारी वगैरह या और कोई मसला होता है बकरी का, या ये होता है सिस्टम के पेट में कोई बच्चों का इशू ना हो, फुली 100% ये ठीक चीज़ें आप खुद आकर खरीदें तब बेस्ट होगा। रमज़ान भाई बंदे करते कि ने कि वो ना कार्गो वगैरह करा लेंगे ने, और देखो हूँ तुहानू कोई बंदा व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करता तो वो कहता मैनू आ काली चीज़ चाहिए है, तो उसी तस्वीरें वगैरह आप वीडियो वगैरह उन्होंने शेयर कर लेंगे तो डील कन्फर्म हो जाती है। हूँ कार्गो का मैं तो नुकसान दसा, बंदे कार्गो करा लेंगे बसा वगैरह च चीज़ पा लेंगे ने, लेकिन सफर ज्यादा होंगे तो चीज़ राह ही ना डैमेज हो जाती है, ठीक हो गया। मीन के फायदा देना ये कार्गो ना चीज़ की हाल काफ़ी ना खराब हो जाती है, तो फिर बंदे व्यापारी ब्लेम कर दे कि तुम सा काम गलत किया, गलत चीज़ दी है, ठीक है। रमज़ान भाई छोड़ो इन्होंने, हूँ वो चीज़ें अपनी चेक कराओ। तो भी बस ये जितनी भी मीन के बकरी हैं रमज़ान भाई के पास ब्लैक और वाइट वगैरह में है, अगले लाओ सर, तो इनकी पूछते हैं रमज़ान भाई ए बकरी की क्रॉस वगैरह या खाल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अजय कन्फर्म नहीं दे रहे, ठीक ठीक है। अच्छा इनू 1.5 महीना हो गया जी क्रॉस हुई नू, तो भी बस 1 दिन का किलो करेगी, मीन के एक टाइम का
अभी दिन का तकरीबन 11:30 का टाइम है। पहली वीडियो मैंने 11 बजे क्लिक की थी, अब 11:30 का टाइम है, ठीक है ना। तो कोई भी मीन के गलत चीज़ नहीं, इंशाल्लाह आपको मैं ट्राई करता हूँ कि ना ही बताऊँ, लेकिन अगर फिर भी कोई आ जाती है तो आप ना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें, मैं नेक्स्ट टाइम वो ना उसे इग्नोर करने की या मीन के ख़त्म करने की कोशिश किया करूँ, ठीक है। रमज़ान भाई इन छो इन सारी बकरियों की जी कीमत आ वो आप कैं दसोगे तुम मैं रमजान भाई जितनी भी चीजें दिखा रहे हैं सिर्फ मीन के जो आपको अच्छी लगती है, वो ये नहीं कह रहे कि ये नहीं मुझे हमारा मैं क्या कहूँ, लेकिन वो कह रहे हैं 10 जानवर हैं, हर जानवर की कीमत 30,000 वो डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए उन्होंने ये कहा कि मैं कम भी कर सकता हूँ, क्वालिटी में आपको अब दिखाता हूँ भाई, आगे लेके आइयो ऐसा ऐसा दिखाई जाओ, सिंपली दिखाओ दोस्तों, देखो ना हूँ दोस्त देखेंगे और जड़ी चीज़ अच्छी लगती है उन्हें रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे रमज़ान भाई के नंबर पर इंशाल्लाह व्हाट्सअप करेंगे। रमज़ान भाई कीमत सीरियसली तुसी ना मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी डिमांड की थी, बिल्कुल गुड हो गया रमज़ान भाई, गुड हो गया बहुत अले। अगर इस तरह तुम चले ना इंशाल्लाह मैंने उम्मीद है कि दोस्तों ने मैंने कहना करना कि तुम सिर्फ जाए रमज़ान भाई को करो और किसी को जाए ना करो, है नहीं भाई अन छी यार थोड़ा अगे करी परली परली बकरी नू, ठीक है थोड़े अगर रमज़ान भाई ये सारिया बकरियां दिखा रहे हैं आप, ये कितनी देर दियाँ क्रॉस हुई ने सारिया क्रॉस ने, इन्होंने 2.5 महीने की कन्फर्म केड़ी गबन आ जी काली दिखा रहे जी मैं तुम्हें, ये 2.5 महीने की गबन है बच्चे का मूहरा करी, ठीक हो गया। रमज़ान भाई ये बकरियां ज्यादा तो ज्यादा या कम तो कम किन्ने सूए सू चुकी हैं, ठीक है जी ठीक है। अच्छा आज जी मैं काली दिखा रहा जी 2-2.5 महीने की कन्फर्म गबन है, ये किन्ने सूए सू चुकी है 5 महीने के, ठीक है जी। तो फिर इसकी 30 महीने के जितने भी जानवर दिखा रहे हैं रमज़ान भाई के 30 कह रहे हैं डिमांड है, और इंशाल्लाह अच्छे तरीके से डील करेंगे, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको इनका ले दिया है और आपसे अच्छे तरीके से डील करेंगे। आपने करना है क्या, सिंपली स्क्रीनशॉट लेना है, इनको सेंड करना है और फिर इंशाल्लाह आपसे ना इनकी डील होगी, ये फुली आपको इनके उसकी डिटेल वगैरह देंगे। रमज़ान भाई ऐ जी चिट्टी लाल बकरी देख रही है इनकी की सून वाली, ये भी 1 महीने या 1.5 दी, ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों अजान ख़त्म हो चुकी है और मज़ीद जानवर रमज़ान भाई के मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा रमज़ान भाई अपना क्या जानवर दिखाना रह गया, ए पट आ बकरी जो दिखा रहे हैं, ठीक है जी। हर किसी की डिमांड ताकि 30,000 है, ये 1 माह तो 1.5 माह के ज़्यादातर मीन के क्रॉस ने लेकिन कन्फर्म नहीं था, ठीक है कन्फर्म 3 की होंगी लेकिन हजे इन्हों का कन्फर्म नहीं था, तुम डिमांड कर रहे जो लैस भी कर सकते जी, ठीक है। तो मीन के डिमांड भी अपनी कन्फर्म इन्नी ज़्यादा भी नहीं थी इन्नी तो लैस भी हो सकती है, ठीक हो गया। अच्छा रमज़ान भाई ए चीनी चीज़ है ये पहले ना दूसरे की हिसाब कर, ठीक हो गया सर छे बच्चे ने। अच्छा रमज़ान भाई बकरियाँ के इंदे तो नहीं आ चीज़ जी दिखा रहे हैं माशाल्लाह कक्के कलर से बुरे से, ये किनवा सूआ जी, ये पहला सूआ सोई है दूसरा का माशाल्लाह सोहनी चीज़ है जी, तो ठीक है। अच्छा रमज़ान भाई आ बकरी का थान छोटा व्डा थोड़ा जहा, मैंने एक दोस्त ने कमेंट भी किया कि यार थान ना छोटे व्डे बकरियाँ के, हाँ जी बच्चा ना, हाँ जी हाँ जी दुध पींदा नाल छोटा व्डा हो जाता, मीन के कभी बच्चे ने एक थान तो ज्यादा पी लिया कभी ना पीता और तां छोटा व्डा हो जाता। अच्छा जो बकरी नई अगे बच्चे पैदा करेगी ये थान दा कोई ब्लेम निकल जाएगा, कोई मसला होवे साडे जिम्मेदार अस, ठीक है मीन के सही हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो गए, ठीक हो गया। चलो छोड़ो बच्चे बकरियां आप दिखाती हैं सारी रमज़ान भाई जी, तो ठीक है ठीक है ठीक है वीडियो नज़र आ गई ना, अगर किसी दोस्त को अच्छी लगेगी तो करेगा रब्ता। तो बस 1 से 1.5 माह तक इनकी 9 बकरियां इनके फुली प्रेग्नेंट थी, एक का एक बकरी इनके 2.5 महीने 1.5 दी कन्फर्म थी, ठीक है ना। तो 2 बकरियां अपनी फुल इनके तैयार सी, 1.5 माह लेंदे सी ते 1 10 दिन लेंदी सी, ठीक है। तो चलो आओ वैसे एक दफ़ा उत्तों इनके अगर मैं आपको ना सारियाँ क्रॉस हुई ब्रेड को छड़ा बकरा वही बढ़िया जी, ठीक है जी। तो ये रमज़ान भाई का फार्म नहीं है, ये गवर्नमेंट का फार्म है और इस ब्रीडर से इन्होंने क्रॉस करवाई है, ठीक है सर रमज़ान भाई ठीक हो गया मसला, इन्हें को सारियाँ क्रॉस हुई हैं, देखो जी इन्होंने माल सिर्फ एक ही बकरा है, लो क्वालिटी तो हाई क्वालिटी तरफ रमज़ान भाई मीन के जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। हाई क्वालिटी देखना चाहते थे आ देख लो माशाला इस बकरी का कद माशाला किसी बकरी का नहीं है इस टाइम इस इज्जड़ के, ठीक है।
ਇਸ ਦੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੇ ਜਿੱਡੀ ਮਸਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਜੀ ਇਹ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੀਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟਰ ਬੱਚੇ ਦੇਵੇਗੀ ਕਾਫੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਸੋ ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਈ ਘਰ ਰੇਵੜ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਏਗੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਈ ਤਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਮੀਨ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਆਸਾਨ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਾਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਥੱਲੇ 5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਢਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਬੱਕਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਘਿਓ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਚੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡ ਕਰਤਾ ਤੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪਕੋ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਜੀਏਗਾ ਹਮਾਰਾ ਚੈਨਲ ਸੇਲ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤਾ ਰਹੂੰਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਕੋ ਔਰ ਬਤਾ ਦੂੰ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਨੈਕਸਟ 5 ਡੇਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਨ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੀਦੀ ਫਕੀਰ ਕੀ ਕਾਲੇ ਵਲੀ ਕੀ ਪੱਪੂ ਗੁੱਜਰ ਕੀ ਮਕਸੂਦ ਇੱਕ ਬਾਈ ਹੈ ਉਨਕੀ ਫੁੱਲੀ ਜੋ ਸਾਹੀਵਾਲ ਕਾ ਬੈਸਟ ਮਾਲ ਆ ਉਨਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਪਰ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਜੋ 5 ਜਾਂ 7 ਦਿਨ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਯੂਟਿਊਬ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਬੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਚਲੇ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਕਰਤੇ ਹੈ।